तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सत्या टेक जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो का ठीक उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन का। ठीक, बिना ग्रीन स्क्रीन के आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकते हो और उसमें आप कोई बैकग्राउंड में आप कोई वीडियो लगा सकते हैं या फोटो उस बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, यानी कि आप उसका बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हो वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको आपको ओपन करना है। ठीक दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च में आपको सर्च करना है। सर्च बार में अन स्क्रीन आपको अन स्क्रीन इस तरह से आपको सर्च कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप सर्च कीजिएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर अन स्क्रीन दिख रहा होगा, इसी साइड पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव वीडियो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड क्लिप लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिप को यूज करना है। ज़्यादा लंबा वीडियो को आप यहाँ पे रिमूव कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक वह सपोर्ट नहीं लेगा। तो आप छोटा वीडियो को आप यहाँ से रिमूव कीजिएगा। तो यहाँ पे अपलोड क्लिप है, उस पर आप क्लिक करके आपको जो भी वीडियो का आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से आपको सिलेक्ट कर लेना है, या भी रिकॉर्डिंग करना चाहते तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेयरिंग अपलोड, तो कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। ठीक, यहाँ पे और यह 100% होगा यहाँ तक। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरी तरह से हट चुका है इस वीडियो का, और यहाँ पे कोई भी वीडियो लगा सकते हैं यहाँ पे पीछे अपना बैकग्राउंड में, और कोई भी कलर लगा सकते हैं, कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का बैकग्राउंड में जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो यहीं से लगा सकते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ लगाना हो या आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ओरिजिनल दिखाए तो ओरिजिनल आपको कुछ इस तरह से था, और यहाँ से देखिए रिमूव होने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है, बैकग्राउंड इसका हट चुका है। ठीक, तो इसमें से आप कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, कलर पे क्लिक करके कलर लगा सकते हैं। इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा 100% होने के बाद आप इसमें जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे तो हम यहाँ पे आपको लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम कलर पे क्लिक करके यहाँ से जो भी कलर लगाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आपको क्या करना है, वीडियो पे ही रहने देना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपको जो भी वीडियो लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ ऐसा इस तरह से आपको वीडियो में आपको भी दिखाने लगेगा। ठीक, देख सकते हैं पूरा तरह से बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है, और इस तरह से आपका रिमूव होकर और यहाँ से जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ इसमें से लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक, और वो लगा सकते हैं, और उसको लगाने के बाद इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव सकते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपना जो वीडियो लगाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए शेयर करना है तो शेयर पे क्लिक कीजिए, नहीं तो डाउनलोड करना है डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह सेव हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यह आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो इस तरह बिना आप ग्रीन स्क्रीन के आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।